हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जान गए हुए कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एमबीपीएससी प्रीलिम्स 2019 के कट ऑफ के बारे में। दोस्तों आप लोगों का जब से स्कोर कार्ड जारी हुआ है मेरे पास भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं, सर मेरे मार्क्स इतने आए हैं क्या मेरा सिलेक्शन होगा, सर मेरे नंबर इतने आए हैं क्या मेरा सिलेक्शन होगा। एंड इसके साथ साथ आप लोगों को बहुत से यूट्यूबर्स अलग अलग तरीके की वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि दोस्तों अपने अपने हिसाब से कट ऑफ बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ वीडियो मेरे को बहुत ज्यादा बेकार लगी जो कि आप लोगों को मिस गाइड कर रही हैं। कहने का मतलब जो हो ही नहीं सकता आपको वो प्रोवाइड करा रही हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि आपका जो आने वाला वैकेंसी है, मतलब कि 2020-21 का जो वैकेंसी आने वाला है आप लोगों का, आप उसकी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूँ, आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ कि आखिरकार आप लोगों का जो कट ऑफ का रेंज है वो इतने से कम एनी हाउ किसी भी कंडीशन में नहीं रहने वाला। जी हाँ दोस्तों, आपको इसको एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि यदि आप एक्सेप्ट अभी कर लेंगे तो आप कुछ खोएंगे नहीं, और यदि आप इस समय एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे चल कर आप बहुत ज्यादा खो, टाइम आपका तो जाएगा ही जाएगा लेकिन आपकी स्टडी भी नहीं हो पाएगी और आप नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है उसकी भी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। साइड में देख रहा होगा क्या घंटी के निशान, दोस्तों उसको जरूर दबा लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, यदि प्लीज वीडियो पसंद आती है तो लाइक एक जरूर कर दें। दोस्तों यहाँ पर जो मैं बात बताने वाला हूँ वो कुछ कैंडिडेट को तो बहुत खराब लगने वाली है जिनके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों खराब लगे चाहे अच्छी लगे, हम तो वही बोलेंगे जो सही है। जी दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है, बहुत से लोग हवाला दे रहे हैं किसका, कोर्ट के फैसले का, कि कोर्ट का फैसला यदि आपके फेवर में आ रहा है तो इतने मार्क्स में आपका सिलेक्शन 100% डन है, और नहीं आ रहा है तो भी आपको बताया जा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर्स आपसे बोल रहे हैं कि यदि आप ईआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 110 से लेकर 120 की रेंज में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% डन है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इतना यदि आप हिस्ट्री भी देखेंगे इसकी एमबीपीएससी की कट ऑफ की, तो दोस्तों इतना मिनिमम कट ऑफ तो कभी नहीं जाएगा। ईआर का इतना कम कट ऑफ किसी भी एनी हाउ कंडीशन में जा ही नहीं सकता, चाहे फिर आपके फेवर में आए कोर्ट का फैसला या फिर ना आए, लेकिन दोस्तों इतना कट ऑफ 110 से 120 इम्पॉसिबल। तो दोस्तों यदि आप ऐसे सोच के चल रहे हैं कि सर मेरा कट ऑफ 110 से 120 के बीच चला जाएगा, तो दोस्तों यह सोच अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी क्या है, टाइम है, तो आप इसका यूज करिए और आपकी जो नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी, मतलब कि इसी साल की वैकेंसी आने वाली है 2020-21 की, आप उसकी तैयारी में लगी और अच्छी जी जान से मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपका पेपर 100% निकलेगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इसी प्रकार से बोला जा रहा है कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ 95 से लेकर 110 के बीच रहेगा। फ्रेंड्स आपको बता दूं यहाँ पर भी आपको मिस गाइड किया जा रहा है, ओबीसी का कट ऑफ इतने कम मार्क्स में एनी हाउ किसी भी कंडीशन में नहीं रहने वाला। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं अपना मत जाहिर कर रहा हूँ, आपको एक चीज और बताऊंगा प्रूफ के तौर पे, क्या आपको बताऊंगा दोस्तों, सर्वे, आप ही लोगों का सर्वे मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसमें आप रेंज देख लेना कि आखिरकार हाई मार्क्स वालों का परसेंटेज क्या चल रहा है, आप उसी से अंदाज लगा लेना कि सर सही बोल रहे हैं या झूठ। ओके, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दूं, यदि आप यूआर से भी बिलोंग करते हैं और यहाँ पर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, फिर भी आपका 95 मार्क्स से 110 के बीच में तो किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन नहीं होने वाला। अच्छा होगा कि आप अभी से इसकी आशा छोड़कर नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाएं, मतलब कि 2020-21 में जो प्री के एग्जाम होने हैं उसकी तैयारी में लग जाएं, आपका वो पेपर निकल जाएगा, आप अपना टाइम खराब बिल्कुल मत करना। और यदि आपसे कोई ऐसा बोल भी रहा है कि नहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोर्ट का फैसला आएगा, आपका 95 से लेकर 110 के बीच सिलेक्शन हो जाएगा, तो दोस्तों वो आपको क्या दे रहा है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों उससे बोलते हैं मीठा जहर। जी हाँ दोस्तों, वो आपको पिला रहा है और आप पी रहे हैं, एक संतुष्टि बस और कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, आप ऐसे भपके में ना रहें, आप अपनी प्रिपरेशन करें, जिस एग्जाम की भी कर रहे हैं 95 से 110 के बीच तो आप एनी हाउ किसी भी कंडीशन में पास नहीं होने वाले, खासकर ओबीसी कैटेगरी से। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपसे बोला जा रहा है क्या कि यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका 90 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा, तो
तो दोस्तों यहाँ पर भी आपकी संभावनाएं बहुत कम है, मतलब 100 में से 10% ही आपकी संभावना है कि आपका 90 मार्क्स और एससी कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाए। जी दोस्तों यह सही है, रियलिटी है। और यदि आपसे बोला जा रहा है कि यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन 80 मार्क्स में हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको मिस गाइड ही किया जा रहा है। आप लोगों के बहुत कम चांस है कि आपका 80 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाए। आप कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला आपके फेवर में भी आता है, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं जाने वाला। जी दोस्तों इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं जाएगा, आप अभी से अच्छे एग्जाम की तैयारी करें जिस एग्जाम की आप कर रहे हों। क्योंकि मेरा यह दायित्व तो था आपको बताना, यदि आप फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दिए हैं तो आपके मन में ऐसे सवाल आते होंगे। जो लोग दे चुके हैं तो उनको तो पता ही होगा कि इतने कम मार्क्स में सिलेक्शन पाना इम्पॉसिबल है। जी दोस्तों सही है, इतने कम मार्क्स में सिलेक्शन नहीं होता है, एमपीपीएससी में तो नहीं होता है। अदर एग्जाम पुलिस होता तो हाँ हम मान लेते कि हाँ चलो उसमें हो जाएगा, बट यहाँ पर एमपीपीएससी में इतना कम कट ऑफ नहीं जाता। और यदि कोर्ट का फैसला आपके फेवर में आ रहा है तो फिर भी इससे ज्यादा रेंज रहेगी। आप अभी दिखाता हूँ मैं दोस्तों आपको क्या आपका जो सर्वे मैंने किया था उसमें कैसे कैसे वोट्स आप लोगों ने डाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं क्या कि हम आ गए हैं यू आर एग्जाम गोली की कम्युनिटी टैब पर। जैसे आप यहां पर विजिट करेंगे तो आपको यहां पर पोल क्रिएट किया था मैंने 3 डेज एगो, ओके। तो आप यहां पे देख सकते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 राइट क्वेश्चंस आफ्टर स्कोर कार्ड, मतलब कि आपके कितने राइट क्वेश्चन हैं आप यहाँ पर वोट डालें। क्योंकि दोस्तों मैंने 150% से लिया था, मेरे को पता है इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाला, इसलिए मैंने 50% के यहाँ से लिया था आपका नंबर, मतलब कि आप यहाँ से वोट करें। तो दोस्तों आप यहाँ पे पाएंगे कि जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर 146 वोट डाले हैं, बट यहाँ पर परसेंट आप देख सकते हैं मैक्सिमम वोट भी डलता तो थोड़ा बहुत हेर फेर रहता है, इतना ज्यादा नहीं, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 50 से लेकर 55 के बीच 15% लोग हैं, मतलब कि 100 से 110 के बीच ऐसे 15% लोग हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 110 से लेकर 120 के बीच 38%, देखिए दोस्तों 38% लोग हैं जिनके मार्क्स 110 से 120 आ रहे हैं। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर 60 से लेकर 65 वालों का परसेंटेज आप देख लीजिए, 13% लोग हैं जिनके मार्क्स 120 से 130 के बीच आ रहे हैं। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि यहाँ तक इतनी रेंज आ रही है, यदि आप यहीं से काउंट करेंगे, चलिए हम यहाँ तक छोड़ देते हैं, मतलब कि हमने बोला है कि यू आर कैटेगरी का कट ऑफ 110 से 120 के बीच जाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ही बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों खासकर मेल का, तो दोस्तों आप यहां से काउंट कर लीजिए 120 से 130 के बाद जो कैंडिडेट हैं, मतलब कि इससे ज्यादा लाए हैं, उनका परसेंटेज क्या चल रहा है यहां पे। तो दोस्तों आप यहां पे काउंट करेंगे तो 20, 20, 40, 47, तो दोस्तों 47% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 120 की रेंज से ऊपर आ रहे हैं, मतलब जिनके क्वेश्चन 60 से ऊपर सही हुए हैं, ये 47% है। 47% का 50% समझ लीजिए दोस्तों, तो अब आप दिमाग लगाइए जब 50% लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स 120 से ऊपर हैं तो कैसे आपका कट ऑफ 80 जाएगा, कैसे आपका कट ऑफ 90 जाएगा। आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए, आप इसी से एनालिसिस करिए। एक छोटा अमाउंट है बट बिग भी होता तो दोस्तों एक दो नंबर का हेर फेर परसेंटेज में होता है, ज्यादा नहीं होता। आपको यहाँ पर हकीकत से रूबरू इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आप आने वाले समय में आपका जो एग्जाम है उसको खराब ना करें। जी दोस्तों क्या होगा यदि आप आशा में लग रहे हैं, अभी बाय चांस थोड़ा टाइम भी लग रहा है आपका रिजल्ट आने में, तो दोस्तों आप टाइम खराब करेंगे और कुछ नहीं। अच्छा होगा कि अभी एमपीपीएससी के अलावा भी एमपी में बहुत सी वैकेंसीज आने वाले हैं आपके, खासकर पुलिस में, तो आप उसी की प्रिपरेशन करें, इसमें टाइम आपको खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों बुरा लगा हो तो माफ करना, बट मेरा दायित्व था कर्तव्य था, चूंकि आप लोग मेरे से जुड़े हो तो यहाँ पर हकीकत आपको बताना बनता है, ओके। अब दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, आप देखिए डिफेंस इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक चैनल एडवाइस करना चाहता हूँ जो कि हमारा ही चैनल है, क्या है, स्टडी हेल्प। जी दोस्तों आप लोगों की आवश्यकता को देखते हुए यहाँ पर एक चैनल क्रिएट किया गया है स्टडी हेल्प, जिसमें अभी आप लोगों की जो यहाँ पर हिंदी की क्लासेज हैं कंटिन्यू होने वाली हैं, चाहे फिर आप कर रहे हो एसआई की तैयारी एमपीएसआई की, चाहे फिर आप कर रहे हो एमपी जेल पहरी की तैयारी, दोनों में हिंदी पूछी जाती है और मध्य प्रदेश जीके बिल्कुल कॉमन रहता है।
तो दोस्तों आपको बता दें आप लोगों की मध्य प्रदेश जीके की क्लासेस कंटिन्यू होने वाले हैं एंड इसके साथ साथ आप लोगों के क्या आप लोगों का हिंदी भी यहां पर स्टार्ट होने वाला है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में आपको यहां पर नीचे जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा एक लिंक, वहां पर स्टडी हेल्प चैनल करके लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहां पर क्लिक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की क्लासेस चलेंगी, बाकायदा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोगों के यहाँ पर 1500 से ज्यादा एमसीक्यू तैयार हो चुके हैं हमारी फैकल्टी के द्वारा, तो आप लोगों के एमसीक्यू टाइप का हम लोग टेस्ट भी लेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ नहीं, बस यही बोलना चाहूंगा, अच्छे से पढ़ाई करें, अपने एग्जाम की तैयारी जी जान से करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।